मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आज दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आज मंथन होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ से सीएम के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन महामंत्री पवन साय भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दो दिन की बैठक है और राष्ट्रीय कार्य समिति में आज और कल के बैठक में न केवल कृषि पे प्रस्ताव होंगे, राजनीति पे प्रस्ताव होंगे और आने वाले तीन चार राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसकी भूमिका को भी निर्धारित करने का काम होगा और क्या कार्य योजना हमने बनाई है, किस प्रकार प्रशिक्षण से लेकर बाकी कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की योजना कैसी बनी है, सारी चीजों में दो दिन की कार्ययोजना में अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो बड़ा विषय आएगा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ कृषि पे एक प्रस्ताव अलग से लाया जा रहा है किसान और कृषि पे, कि चार साल साढ़े चार साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के जो प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वयन अलग अलग राज्य कार्य योजना बना के कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और बहुत अच्छे से। गडकरी जी आ रहे हैं 10 तारीख को, नेशनल हाईवे और बाकी चीजों की समीक्षा भी करेंगे, कुछ काम भूमि पूजन बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने दिए हैं उस प्रोजेक्ट का शुरुआत करेंगे जो देश का और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में नई कार्य योजना के साथ आ रहे हैं करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी की योजना है, ऐसे पूरे विकास क्षेत्र में अलग अलग और मंत्रीगण भी आएंगे, पूरी तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग स्तर में वो जहां जहां महात्मा गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़ में, जहां जहां उनका प्रवास हुआ था, उनकी स्मृति जहां जहां है, अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम होंगे, कल्चरल कार्यक्रम होंगे और एक प्रकार से एक बड़ा उत्सव पूरे देश में होगा जिसमें भागीदारी छत्तीसगढ़ भी करेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।